The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, this is Dr. Paramjeet. How are you? Today we will talk about tanning. Tanning has been done for us all and playing in the dark for a little while or staying in the dark. आपको टैन लाइंस या अनइवन कलर आ जाता है स्किन पे, कभी टी लाइन पे. और टैन आपकी बॉडी का एक अटेम्प्ट है आपकी बॉडी को, शरीर के स्किन को सन डैमेज के बचाने के लिए, सन डैमेज खासकर यूवी रेज के लिए, क्योंकि शरीर के अंदर, स्किन के अंदर एक मेलानिन नाम का एक केमिकल होता है, पिगमेंट होता है, जो आपके स्किन को डार्क करने के लिए और टैन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है. अब मेलानिन स्किन के सर्फेस पे उतना बनता है जितना आप सन पे एक्सपोज होते हैं. एक नेचुरल आपका जो स्किन कलर होता है वो अलग चीज है. स्किन कलर आपका ब्राउन हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, बिल्कुल फेयर हो सकता है, पर जितना ज्यादा यूवी रेज से आप एक्सपोज होते हैं उतना ही आपकी स्किन मेलानिन प्रोड्यूस करती है. बिकॉज यूवी रेज जब आपके स्किन के अंदर डीपर लेयर में पेनिट्रेट करती है तो वहां डैमेज करती है और वहां पर आपको लिटरली आगे चल के लॉन्ग टर्म पे अगर यूवी रेज के एक्सपोजर की बात करें तो कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है. सो बहुत जरूरी है, सबसे बेस्ट तो होता है कि आप टैनिंग अवॉइड करें, इतने देर तक धूप में ना ही जाएं कि आपको टैन हो जाए और इतनी हैवी धूप में ना ही जाएं, द बेस्ट वे. तो आप उस तरह से अपने स्किन को प्रोटेक्ट भी करेंगे अनवांटेड टैनिंग से और धूप से भी. तो इसीलिए सन प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनिए, सनस्क्रीन पहनिए, हैट पहनिए, बाहर जाते हैं तो शेड में जाइए, ये बहुत जरूरी है, राइट. और अगर जाते हैं सनस्क्रीन लगा के तो सनस्क्रीन एवरी 2 आवर्स बार 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 लगाना है, यही डर्मेटोलॉजी एकेडमी के आपके रिकमेंडेशन है. बट अगर हो गया टैन तो क्या करें, व्हाट आर द रेमेडीज, आप टैन एंटी टैनिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. एंटी टैनिंग के सबसे पहले बेसिक समझते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सफोलिएशन. जी हाँ, एक्सफोलिएशन मींस ऊपर की एक दो लेयर्स ऑफ स्किन, स्किन की सबसे ऊपर की जो है डेड लेयर होती है, बहुत सारी हजारों लेयर्स एक के ऊपर एक होती है, तो कुछ लेयर्स ऊपर की निकाल देना बाय एक्सफोलिएशन, बाय डूइंग. आप होम में घर पे ही अपने एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, किसी ना किसी स्क्रब से आप अपने स्किन टोन को जो है लाइटन कर सकते हैं डेड स्किन सेल निकाल के, राइट. ऑब्वियसली आपको उसके अलावा सन को अवॉइड करते रहना चाहिए, ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है. सो वन मेथड इज एक्सफोलिएशन थ्रू एनी काइंड ऑफ स्क्रब. सेकेंड इज मॉइस्चर, आप उसे मॉइस्चर दे सकते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कि कोई भी मॉइस्चराइजर, जैसे एलोवेरा बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, या एलोवेरा इज अपने आप में पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स है और ये अपने आप में भी मेलानिन को रिड्यूस करता है. लेकिन जो मेन चीज है वो स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं. लोग स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं ओवर द काउंटर, नेचुरल स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनमें विटामिन सी, ग्लाइकोनिक एसिड, कोजिक एसिड, एजालिक एसिड, या फिर कुछ रेटिनॉइड्स हो सकते हैं, रेटिनॉल, ट्रेटिनोइन, एडापिलीन, ऐसे कुछ चीजें. ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके जो लाइटन करते हैं, जो एक्चुअली स्किन को थोड़ा वाइटिश करते हैं, और ऐसे के जो एसिड्स होते हैं अपने आप में एक्सफोलिएशन भी करते हैं. So yes, you can use them under the guidance of a doctor because ऐसी चीजें थोड़ी harmful भी होती हैं. Why? Because अगर आपने सुना होगा कुछ remedies lemon से, नींबू से घसना direct, या फिर कुछ लोग direct skin lightening के जो bleaching products होते हैं उनको use कर, these kind of things can be literally harmful. केमिकल लेमन जो होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है, अगर आप डायरेक्ट लगाओगे स्किन पे तो वो डायरेक्ट बर्न कर सकती है स्किन. अगर आप उसको लगा के धूप में गए तो और ज्यादा केमिकल बर्न्स होने के चांस हो, इसलिए उसको हमेशा डाइल्यूट करके लगाना चाहिए. या तो उसका ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस स्क्रब या फेस वॉश जैसा कोई प्रोडक्ट, या उसे सिर्फ रात में इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों को डाइल्यूट करके. सेम गोज विद ब्लीच, ब्लीचिंग एजेंट्स जो होते हैं वो टेक्निकली, अगर कोई आप हाउस होल्ड ब्लीच लगा रहे हैं, व्हाइटनिंग ब्लीचिंग प्रोडक्ट लगा रहे हैं, दैट कैन डैमेज योर स्किन ऑल्सो. और कुछ ऐसी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं जिनके अंदर रिसर्च में अगर आप उसको प्रोडक्ट को निकाल के करेंगे तो उसमें आपको कुछ स्टीरॉइड्स जैसे इंग्रेडिएंट दिखेंगे. स्टीरॉइड्स भी टेम्परेली आपकी स्किन लाइट करती है, पतली कर देती है और हार्मफुलनेस उसका बढ़ जाता है. स्टीरॉइड क्रीम्स लगातार लगाना खराब होता है. सो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है. सो व्हाट कैन यू यूज, यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस, दिस इज उस्तरा फेस स्क्रब और इसके साथ में पूरी की पूरी किट है उस तरह की, डी टैन किट, इसके अंदर क्रीम है और स्क्रब है. अब इसका क्या फायदा है और इससे
क्या फायदा होगा. ये किट जो होती है, इस किट में एक प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं और इसके अंदर क्या है समझ लेने पर ही आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स हैं. राइट. इसका जो स्क्रब है, ये स्क्रब जो है इसके अंदर वॉलनट के ग्रैन्यूल्स हैं जो हेल्प करते हैं एक्सफोलिएशन के लिए. और आदमियों की स्किन जो होती है थोड़ी मोटी होती है, इसके लिए इसके अंदर मोटे ग्रैन्यूल्स हैं. मोटे ग्रैन्यूल्स जो है आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हैं क्लिंस करने के लिए. इसके अलावा इसके अंदर जो होता है स्विस गार्डन चेस जैसे हलीम के बीज जो है, जो एक्चुअली में हेल्प करते हैं स्किन को ब्राइटन करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को फेड करने के लिए. राइट. और जो हमारी डी टैन क्रीम है, इस डी टैन क्रीम में क्या है, इसके अंदर है लिकोरिस रूट. लिकोरिस रूट जो है वो अंडर आई डार्क सर्कल्स, डिसकलरेशन, एज स्पॉट्स, इसमें हेल्प करते हैं. जापानीज यूजू जो है वो हेल्प करता है, वो एक बेसिकली सिट्रस फ्रूट के जैसा है, ऑरेंज के जैसा है, उसके एक्सट्रैक्ट्स है इसमें. तो वो विटामिन सी है उसमें, ऑब्वियसली हमने आपको बताया विटामिन सी हेल्पफुल है. एंटीऑक्सीडेंट है वो अपने आप में, जो स्किन को आपके रिपेयर करेगा. विटामिन B3, दोनों के अंदर विटामिन B3 की मात्रा बहुत अच्छी है. अनवांटेड पिगमेंटेशन, टैनिंग, ये दोनों के लिए दोनों अच्छे हैं. तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए ऑब्वियसली देखिए, आपको पहले स्क्रब का इस्तेमाल करना है. इसका एक छोटा सा अमाउंट आपने अपने फेस पे, अपने फिंगर टिप से आपने फेस पे मसाज करना है. एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है और 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है. और इसको फिर ठंडे पानी से धो लेना है. इसको कम से कम 3 दिन में एक बार इस्तेमाल करें बेस्ट रिजल्ट के लिए. उसके बाद आप लगाएं ये D10 की क्रीम. इसको कितना लगाना है, एक क्वाइन के साइज का अमाउंट आप ले लें और उसको अपने फेस पे और अपने नेक पे मसाज करें सेम वे में. एंटी क्लॉकवाइज और नेक पे मसाज करते हैं तो नीचे से ऊपर तक लेके जाएं. इसको आपने क्या करना है, रात को लगा के सो जाना है. तो ये बहुत बढ़िया ओवरनाइट एप्लीकेशन जो है बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देगा आपको. स्किन के डैमेज और स्किन के ऊपर जो टैन है दोनों ही को ये बहुत अच्छी तरह से निकाल देगा. तो ये दोनों चीज जो है बहुत अच्छे काम करती है. बट ध्यान में रखिए, ये फेयरनेस प्रोडक्ट नहीं है. आपके जो भी ओरिजिनल कलर होगा ये उसको और गोरा नहीं करेगा. ये सिर्फ टैनिंग को हटा के आपकी ओरिजिनल जो स्किन कलर है उसको बेटर करे, उसको ले आएगा, उसके टोन को बेटर करेगा. राइट. सो जनरली इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये मेल्स के लिए बनाया गया है, मेन के लिए बनाया गया है. सो फीमेल्स के लिए नहीं है. मेन के लिए डार्क स्पॉट्स हैं आपको, झुर्रियां हैं आपको, कोई लाइन है आपको, आपके स्किन पे किसी प्रकार के एज स्पॉट्स हैं, तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. सो फेस स्क्रब एंड क्रीम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके देखें. इसके लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज शेयर दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.